अनिल कपूर बॉलीवुड के वो मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो सारी फिल्में हमेशा ब्लॉकबस्टर ही रही हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों के दिलों को इतना लुभाया है कि आज भी दर्शक उनकी तारीफ के पुल बांधते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अनिल कपूर की हर एक फिल्म पर जहां तारीफों की बरसात होती है, वहीं उनकी बेटी सोनम कपूर अपने पिता की 4 फिल्मों को देखना सिर्फ नापसंद करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने पिता के लिए ऐसे ऐसे ताने भी कसे हैं जिसे सुनने के बाद अनिल कपूर अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा हो चुके हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी है वो 4 फिल्में, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1 पर है तेजाब। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। जी हाँ दोस्तों, ये गाना साल 1988 में आई फिल्म तेजाब का है, जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की रोमांटिक लव स्टोरी दर्शकों के दिलों को खूब लुभाई थी। वहीं उनकी बेटी सोनम कपूर ने दोनों को लेकर ये ताना कसा है कि उन्होंने माधुरी आंटी के साथ इस फिल्म में रोमांस क्यों किया और एक छिछोरेबाज मुन्ना की भूमिका क्यों निभाई। शायद आपको नहीं पता कि आपकी इमेज कितनी खराब हुई थी, काश पापा आपने ऐसा करने से पहले एक बार सोच लिया होता। नंबर 2 पर है जुदाई। साल 1997 में आई फिल्म जुदाई तो आप सभी ने देखी ही होगी, जिसमें अनिल कपूर की एक नहीं बल्कि 2-2 बीवियां थी। इसीलिए तो उनकी बेटी सोनम कपूर ने अपने पिता पर ये ताना कसते हुए कहा है कि पैसों के लिए खुद से समझौता करके आपने सही नहीं किया, ऐसा करने से दुनिया में क्या असर होगा ये आपने एक बार भी नहीं सोचा, मुझे तो आपकी ये हरकत बिल्कुल गलत लगी है। नंबर 3 पर है मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर की सबसे बेस्ट मूवी दर्शकों की नजरों में मिस्टर इंडिया ही है, कि साल 1987 में आई थी, लेकिन ये मूवी उनकी बेटी सोनम कपूर की नजरों में बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस फिल्म में इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पिता को किसी चीज का लाभ ना हो तो क्या फायदा। जी हाँ, इसीलिए तो सोनम कपूर ने ये ताना कसते हुए कहा है कि इतना पता होने के बाद भी कि इस फिल्म में आपको कम फीस मिलेगी तो आपने इस फिल्म में काम क्यों किया, पैसों की इतनी ही जरूरत थी कि आप कम फीस लेने के लिए तैयार हो गए। मेरे हिसाब से तो आपने अपना सारा टाइम इस फिल्म में काम करके बर्बाद ही किया है। नंबर 4 पर है लाडला। माँ बेटे पर आधारित फिल्म बनाई गई लाडला को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी करते ही हैं। लेकिन अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर तो इस फिल्म को सिर्फ नापसंद करती हैं, बल्कि उन्होंने इस फिल्म को लेकर ये ताने कसे हैं कि उन्होंने 2-2 एक्ट्रेसेस के साथ इश्क क्यों लड़ाया और हर बार श्रीदेवी आंटी के साथ ही क्यों काम किया, क्या इनके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरोइंस नहीं थी, मैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। वेल दोस्तों, आपको अनिल कपूर की कौन सी फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।